स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढ़ौरा में नगर पालिका का चुनाव प्रचार इस वक्त चरम सीमा पर है। कोई भी प्रत्याशी किसी प्रकार से कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। आइए कुछ राजनीतिक दलों के चेयरपर्सन के प्रत्याशियों द्वारा उनके समर्थकों द्वारा किए जा रहे चुनाव प्रचार को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाजपा प्रत्याशी श्रीमती शालिनी शर्मा के समर्थन में किए जा रहे धुआंधार चुनावी प्रचार में। आज कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी अपनी पूरी टीम के साथ पूरी जिला टोली आज वहां पर उपस्थित हुई। पूर्व विधायक ईश्वर सिंह पलाका, पूर्व विधायक चौधरी बलवंत, मंत्री रहे कर्ण देव सिंह कंब, पूरी भाजपा की टीम आज सढ़ौरा में जुटी रही। स्थान स्थान पर उनके द्वारा सभाएं आयोजित की गई और भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगी गई। वार्ड 8 के प्रत्याशी देवेंद्र उर्फ लवली के कार्यालय पर एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर के प्रमुख पदाधिकारी भाजपा के वहां पर उपस्थित हुए और सभी की ड्यूटीज वगैरह सौंपी गई। वार्ड अनुसार सभी की ड्यूटियां लगाई गई। नायब सिंह सैनी ने भी सभी को भाजपा प्रत्याशियों को जिताने का आह्वान किया। ऐसी चर्चा की आने वाले अगले कुछ दिनों में भाजपा के दिग्गज यहां पर चुनावी प्रचार में आने वाले हैं। इधर श्रीमती शालिनी शर्मा द्वारा भी डोर टू डोर प्रचार किया जा रहा है और बाकी भाजपा के प्रत्याशियों द्वारा भी पार्षद पद के जो प्रत्याशी हैं वो भी लगातार जनसंपर्क बनाए हुए हैं। चुनावी कार्यालयों का शुभारंभ सांसद रतनलाल कटारिया द्वारा उनका किया गया था। उसके बाद से लगातार भाजपा के दिग्गज उनके समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और अजय सप्रा भी लगातार यहाँ पर समय दे रहे हैं। उनकी पूरी जिला टोली, जिला महामंत्री सुरेंद्र बनकट पूरी टीम के साथ लगातार समय देकर जो है प्रत्याशियों का हौसला बढ़ा रहे हैं, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक मार्जिन से भाजपा के प्रत्याशी विजय प्राप्त कर सकें। प्रत्येक पार्षद के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ भाजपा की पूरी आला टीम ने द्वारा किया गया, चाहे वार्ड 1 की डीजी शर्मा कार्यालय हो, सजल सेठ का कार्यालय हो, देवेंद्र सैनी उर्फ लवली या जॉन सैनी का कार्यालय हो, सभी के कार्यालयों का उद्घाटन भाजपा की आला टीम द्वारा धूमधाम से किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता, मंडल स्तरीय कार्यकर्ता, जिला स्तरीय कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। वार्ड नंबर 3 में श्रीमती संगीता ठगुराल उनके कार्यालय का शुभारंभ धूमधाम से किया गया और लगातार श्रीमती शालिनी शर्मा द्वारा घर घर जाकर लोगों से आशीर्वाद लिया जा रहा है और भाजपा के हक में मतदान की अपील की जा रही है। मंडल अध्यक्ष पवन सैनी अपनी टीम के साथ लगातार प्रत्याशियों के साथ दौरा कर रहे हैं। इस चुनावी प्रचार में भाजपा किसी प्रकार की कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रही है। लगातार सुबह से देर रात तक चलने वाले इस चुनावी प्रचार के अभियान में भाजपा के आला पदाधिकारी व आम कार्यकर्ता, मंडल स्तर के पदाधिकारी मिल रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, लोगों से संपर्क साध रहे हैं। भाजपा की जिला की टोली लगातार अपने प्रत्याशियों से लगातार संपर्क साध कर उनका हौसला बढ़ा रही है, चाहे प्रत्याशी रुचका गोयल हो, संगीता ठकुराल, सजल सेठ, देवेंद्र उफलवली, जॉन सुखविंदर सिंह, डॉक्टर राधेश्याम मित्तल, पूरी टीम का हौसला लगातार भाजपा की आला टीम द्वारा बढ़ाया जा रहा है, ताकि प्रत्येक पार्षद का प्रत्याशी विजयी हो। साथ ही चेयरपर्सन श्रीमती शालिनी शर्मा भी भारी मतों से विजय प्राप्त कर सकें, ऐसा प्रयास भाजपा की पूरी टीम द्वारा किया जा रहा है। भाजपा की टीम लगातार टोलियां बनाकर डोर टू डोर, मैन टू मैन प्रचार में इस वक्त लगी हुई है और लगातार मतदाताओं से संपर्क करके उनको भाजपा के प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील उनके द्वारा की जा रही है। पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह भी पूरा समय लगाकर भाजपा प्रत्याशियों को अच्छे मार्जिन से विजय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सुमित जैन और बाकी उनकी पूरी टीम भी इस कार्य में पूर्ण रूप से पूरा समय लगाकर प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। आज के चुनावी प्रचार में चौधरी कंवरपाल गुर्जर, शिक्षा मंत्री हरियाणा, उनके सपुत्र निश्चल चौधरी द्वारा भी हिस्सा लिया गया और सूचना ये आ रही है कि अगले 2 दिन के भीतर ही चौधरी कंवरपाल गुर्जर भी चुनावी प्रचार में आकर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। भाजपा के धुरंधर इस चुनावी प्रचार में जुड़ चुके हैं। ये कितने मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहते हैं
और आने वाले समय में कितना प्रयास इन लोगों का सार्थक रहता है यह आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल भाजपा चुनावी प्रचार में पूरी तरह से कूदी हुई है और लगातार कई कई घंटे लगातार चुनाव प्रचार उनके द्वारा किया जा रहा है। आज भाजपा का चुनाव प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा के राजनीतिक सलाहकार किशन बेदी जो है सढ़ौरा पधारे। उन्होंने वाल्मीकि बस्ती समेत कच्चा किला स्थित संत रविदास परिसर में चुनावी सभा को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशियों के लिए लोगों से मतदान करने की अपील की। बेदी साहब से बात करेंगे, राजनीतिक सलाहकार बेदी साहब, सढ़ौरा आपका आगमन हुआ हमारे चैनल की तरफ से, आपका हम स्वागत करते हैं। क्या कुछ आप यहां से बात लेकर जा रहे हैं और क्या कुछ विचार आपने अपने कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन के लिए दिए हैं? जी देखिए, हरियाणा प्रदेश में सढ़ौरा एक ऐसी नगर पालिका है, यहाँ लंबे समय से पंचायत यहाँ काम कर रही थी और अभी यहाँ पर पहली बार बहुत वर्षों के बाद नगर पालिका का चुनाव हो रहा है और पहली बार हमने अपनी बहन शालिनी शर्मा को यहाँ चेयरपर्सन पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है और हमारे वार्ड नंबर 7 से प्रमोद कुमार जी हमारे प्रत्याशी हैं और मैं जब से यहाँ आया हूँ बहुत से लोगों से मिलना हुआ है। जिस प्रकार से पूरे हरियाणा प्रांत में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में लहर चल रही है, उसी प्रकार से सढ़ौरा के अंदर भी वही स्थिति है और मुझे तो इस बात का आश्चर्य है कि वार्ड स्तर पे भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी जिले की टीम ने कमल के फूल का सिंबल देने का काम किया है। ये एक बहुत बड़ा साहसिक फैसला है और इस साहसिक फैसले के अनुसार जहाँ उसका मुझे लाभ भी नजर आ रहा है, तो आज यहाँ आया हूँ भगवान वाल्मीकि मंदिर में खड़ा होकर मैं सभी हमारे 13 पार्षद पद के उम्मीदवार और हमारी चेयरपर्सन उम्मीदवार बहन शालिनी शर्मा जी के लिए उनकी जीत की मैं कामना करता हूँ परमपिता परमात्मा से। और ये केवल कामना ही नहीं है, मेरा विश्वास है कि हमारे सभी पार्षद भारी मतों से जीतकर नगर पालिका के जिम्मेवारी निभाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो सढ़ौरा में चारों तरफ आम आदमी पार्टी की टोपी धारण किए हुए उनके जो है कार्यकर्ता नजर आएंगे। लगातार टोलियां बनाकर सुबह से लेकर देर रात तक उनके द्वारा कार्यक्रम जारी रहता है। आम आदमी पार्टी के पंजाब से डेराबसी से विधायक कुलजीत सिंह रंधावा द्वारा भी वार्ड नंबर 1 में एक विशेष सभा की गई, इसके द्वारा उनके द्वारा भी चुनाव प्रचार करके यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सीमा रानी, वाइफ ऑफ राजू सैनी, उनके पक्ष में मतदान की अपील की गई। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जो आदर्श पाल सिंह वरिष्ठ नेता हैं, इनके साथ ही उनकी पूरी जिला टोली यहाँ पर लगातार कई दिनों से डेरा डाले हुए है। ना केवल जिला टोली बल्कि दूसरे इलाकों से पानीपत, कुरुक्षेत्र, शाहबाद, अम्बाला, पंचकूला आदि इलाके से भी आप कार्यकर्ता लगातार झाड़ू हाथ में लिए आपकी टोपी धारण किए हुए डोर टू डोर प्रचार करके लोगों को आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए एक व्यवस्था परिवर्तन की बात भी कर रहे हैं। ये लोग कस्बे के लोग ये बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं। इस वक्त आम आदमी पार्टी के जो है अधिक से अधिक टोलियां बनी हुई हैं। आज आप देख सकते हैं कि सढ़ौरा की वाल्मीकि बस्ती में पूर्व मंत्री निर्मल सिंह की सपुत्री चित्रा सरवारा भी पहुंची और उन्होंने सभी से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को चेयरपर्सन के रूप में सीमा रानी व अन्य आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाने का एक आह्वान किया, अपील की और कहा कि अब बहुत हो गया, कांग्रेस इन्हें लो, भाजपा को सभी ने अजमा लिया, अब समय आम आदमी पार्टी का है। वाल्मीकि बस्ती से जगदीश कुमार को उन्होंने एक समर्थन दिया, बबलू जो कि आज़ाद प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। तो आम आदमी पार्टी के भी काफ़ी संख्या में प्रचारक के रूप में यहाँ पर प्रचार लोगों कार्यकर्ताओं द्वारा प्रचार किया जा रहा है, ये बात स्वीकार करनी होगी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सारा सारा दिन लगातार पैदल घूम घूम कर जो है अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। डोर टू डोर मैन टू मैन कैंपेन उनके द्वारा काफ़ी लंबे समय से चलाई जा रही है। आम आदमी पार्टियों का उत्साह देखते ही बनते लगातार नारेबाजी उनके द्वारा की और मतदाताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। सुशील गुप्ता जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी।
आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। टोली में संख्या कम है या ज्यादा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया प्रचार कितना सार्थक परिणाम लाता है, यह आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर इस चुनाव में नहीं रख रहे हैं, लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा ये आने वाला समय बताएगा। अब बात करते हैं इंडियन नेशनल लोकदल की, तो इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं ने भी अपने चेयरपर्सन के प्रत्याशी श्रीमती पूनम रानी वाइफ ऑफ अमित राणा के लिए पूरी जो है ताकत झोंक रखी है। चुनाव प्रचार दिन रात उनके द्वारा किया जा रहा है। टोलियां बनाकर महिलाएं अलग निकल रही हैं तो पुरुष अलग टोली में निकल रहे हैं। कहीं कमान जो है सुषमा चौधरी द्वारा थामी जा रही है, तो कहीं सुरेश कानड़ी व उनकी पूरी टीम, परमजीत सिंह प्रभोली, रमेश ढलोर, संदीप सिंह गुज्जर, विकुल बक्सी, अनेकों अलग अलग टोलियां बनाकर इंडियन नेशनल लोकदल भी लगातार अपने प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं रख रहा है। सुबह से शुरू हुआ चुनाव प्रचार देर रात तक चुनाव प्रचार इनका जारी रहता है। अमित राणा भी अपनी धर्मपत्नी को विजय बनाने में कोई कोर कसर नहीं रख रहे हैं। लगातार अपनी युवा टोली के साथ, अपने मोहल्ले की टोली के साथ वो लगातार लोगों से संपर्क साध रहे हैं। अमित राणा का कहना है कि अपनी बरादरी सहित सैणी मोहल्ले की बरादरी का पूर्ण समर्थन प्राप्त होने के कारण से अब वो मजबूत स्थिति में है। श्रीमती पूनम रानी ने बताया कि उनके द्वारा कम से कम दो बार शहर का पूरा चक्कर लगा दिया गया है, चुनाव प्रचार कर दिया गया है, लेकिन वो लगातार लोगों से संपर्क में, उन्हें समर्थन भी भरपूर प्राप्त हो रहा है। उनके समर्थन में उनके मोहल्ले की महिलाएं भी काफ़ी संख्या में टोलियां बना बनाकर उनके लिए वोट मांग रही हैं। जानकारी के अनुसार चुनावी प्रचार में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश स्तरीय नेता भी जल्द ही सड़ोरा पहुंचने वाले हैं। फिलहाल इनेलो कार्यकर्ताओं का चुनाव प्रचार क्या रंग लाएगा यह समय बताएगा। इधर हम कांग्रेस समर्थित आजाद प्रत्याशी निशा अग्रवाल जी की बात करें तो उनके द्वारा भी चुनाव प्रचार पूरी तेजी से किया जा रहा है। चरम सीमा पर उनका चुनाव प्रचार है और लगभग दो राउंड सड़ौरे के उनके द्वारा अब तक पूरे कर लिए गए, जैसे कि जानकारी उनके द्वारा दी जा रही है। निशा अग्रवाल अलग से टोली बनाकर तथा अंकित अग्रवाल अलग से टोली तथा उनके समर्थक भी अलग अलग टोलियों में कस्बे में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अपने चुनावी कार्यालय में भी उनके द्वारा जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया गया था तथा एक रोड शो भी निकाला गया था, जिसमें उन्होंने अपनी ताकत का एहसास लोगों को कराया था। और तब से लेकर आज तक उनका चुनाव प्रचार लगातार जारी है और इस चुनावी प्रचार में कांग्रेस कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं, साथ ही पंचायत संघर्ष समिति सहित अन्य लोग भी उनका पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। चाहे बात रिटायर्ड कर्मचारी संघ की हो या वरिष्ठ नागरिक समूह की हो, समस्त टीम्स उनके साथ लगकर जो है उन्हें विजयी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पंचायत संघर्ष समिति देर रात तक उनके समर्थन में बैठकें कर रही हैं, जिसमें अंकित अग्रवाल खुद भी जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं तथा लोगों को अपने पक्ष में जो है वोट डालने की अपील भी करते हैं। साथ ही रिटायर्ड कर्मचारी संघ व वरिष्ठ नागरिक समूह समेत पंचायत संघर्ष समिति के सदस्य भी उनको के लिए अपना चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं तथा उनके पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। अपील करता हूं कि एक मौका देकर हमें विजय बनाओ और मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा और जो भी आप कार्य कहेंगे सबसे पहले आपको करूंगा। धन्यवाद। के लिए अपने अंकित अग्रवाल को आगे ले आए, जो कि छत्ती बिरादरियों से संबंध रखते हैं और सभी से आपके बीच में सेवा करने के लिए आए हैं, तो आपका ये दायित्व बनता है कि इसका सहयोग करें निशा अग्रवाल का। और कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, आपका जो भी काम होगा वो दरवाजे खुले रहेंगे और हम भी आपके साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिलाकर। आपके अगर कोई यहाँ आएगी तो हम सबसे अगली अनिल संधू जी चेयरमैन, भल्ला जी संघर्ष समिति के पंचायत समर्थकों द्वारा मोहल्ले से मोहल्ला जाकर उनके पक्ष में नुक्कड़ सभाएं इस वक्त आयोजित की जा रही हैं। ये नुक्कड़ सभाएं देर रात तक 11:30-12 बजे तक भी चलती हैं और इन नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से
अंकित अग्रवाल की धर्मपत्नी श्रीमती निशा अग्रवाल का समर्थन करने की अपील की जा रही है। अनेकों युवा टोली जो है वो भी अंकित अग्रवाल के समर्थन में चुनाव प्रचार पर लगे हुए हैं। अंकित अग्रवाल के समर्थक चुनावी प्रचार में किसी प्रकार की कोई भी कोर कसर रखते नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार सुबह से हुआ चुनाव प्रचार देर रात तक चलता है, फिर अगले दिन की प्लानिंग बनाकर फिर अगले दिन सुबह इस चुनावी प्रचार में उनकी टीम जो है निकल पड़ती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें एमसी चेयरपर्सन और आम जनता मिलकर ऐसा कोई सिस्टम बनाए जिससे कोई भी उच्च अधिकारी या नगर पालिका को का कोई भी कर्मचारी भ्रष्टाचार ना कर सके। हाँ जी, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के साथ साथ अनेकों विकास के मुद्दे उठाकर निशा अग्रवाल लोगों के बीच में जा रही हैं और उनकी पूरी टोली इस चुनाव प्रचार में उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। साथ ही अंकित अग्रवाल भी अपने साथियों के साथ टीम बनाकर डोर टू डोर घर से घर तक जो है लोगों से संपर्क साध रहे हैं तथा निशा अग्रवाल के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। उनकी अपील कितनी कारगर रहेगी यह तो चुनाव परिणाम वाले दिन ही पता चलेगा। अब बात करते हैं आजाद प्रत्याशी विजय लक्ष्मी पत्नी अमित सेतिया। जब से नामांकन भरा है तब से लेकर आज तक लगातार चुनाव प्रचार उनके द्वारा किया जा रहा है। बेबाक बातचीत करने के लिए जाने जाते हैं अमित सेतिया। उनके द्वारा भी अपने समर्थकों के साथ सीधा संवाद किया जा रहा है और लगातार वे आम लोगों के साथ टच में हैं। उनके द्वारा स्पष्ट कहा जा रहा है कि जो मुद्दे अन्य प्रत्याशी अब उठा रहे हैं उन मुद्दों पर वो पहले से ही कार्य कर रहे हैं अथवा कर चुके हैं। डोर टू डोर मैन टू मैन प्रचार करके वे लोगों को सीधा ये कह रहे हैं कि वो कुछ हटकर करके दिखाना चाहते हैं। एक मौका उन्हें मिलना चाहिए, एक विश्वास उन पर कीजिए, कुछ बदलाव वो यकीनन सढ़ौरा के क्षेत्र में करके रहेंगे और विकास का एक नया आयाम वे स्थापित करेंगे। उनका कहना है कि लोगों का जबरदस्त उन्हें समर्थन प्राप्त हो रहा है, समाज का हर वर्ग लगातार उनसे जुड़ रहा है तथा प्रत्येक नुक्कड़ सभा में भी काफ़ी खासी भीड़ उनको सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि वार्ड अनुसार बैठकें वो कर चुके हैं, अब गली अनुसार नुक्कड़ सभाएं वो आयोजित कर रहे हैं। अपने चुनावी प्रचार को आगे बढ़ाते हुए आज आजाद प्रत्याशी अमित कुमार सेतिया ने सड़ोर के मुख्य बाजार में चुनावी प्रचार किया और दुकान से दुकान जाकर दुकानदारों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने दुकानदारों के सामने अपने विकास के एजेंडे को भी प्रस्तुत किया। देर रात्रि तक अमित सेतिया ने विभिन्न मोहल्लों में नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित किया। आजाद प्रत्याशी के तौर पर श्रीमती समृद्धि मेहता व उनके पति पीयूष सिब्बर भी लगातार कन्वेंसिंग में जुटे हुए हैं। पीयूष सिब्बर लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज़ यानी आत्मा की आवाज़ से वोट दें और जो इस कुर्सी पर बैठने के लिए पात्र हो, डिजर्व करता हो, उसे ही अपना जो है कीमती वोट दें। वो सीधे कह रहे हैं कि वो कठपुतली नहीं बनना चाहते थे, इस कारण से भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया। उनका कहना है कि वे कुछ हटकर करना चाहते हैं यदि लोग उन्हें अवसर देंगे। यदि हम बात करें पार्षद पद का चुनाव लड़ रहे विभिन्न वार्डों से प्रत्याशियों की, तो कोई भी प्रत्याशी किसी प्रकार से कोई कोर कसर नहीं रख रहा है। अपने तरफ से हर संभव प्रयास करके वो जीत को निश्चित बनाने के लिए वो लड़ रहे हैं। इस वक्त हम देख सकते हैं कि विभिन्न प्रत्याशी इस प्रकार से चुनावी प्रचार में उतरे हुए हैं कि ताकि मतदाताओं का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकें और वो अपनी उनकी जो है वोट अपने चुनावी निशान पर वो लगा सकें। हमने इन दिनों सारे सढ़ौरा का जो दौरा किया उसमें देखा कि प्रत्येक वार्ड में कोई भी प्रत्याशी ऐसा नहीं है जो चुपचाप इस वक्त घर में बैठा हो। अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लगातार वे लोगों से संपर्क कर रहे हैं। चुनावी कार्यालयों का उद्घाटन शुभारंभ भी धूमधाम से किया जा रहा है और लगातार नुक्कड़ सभाएँ डोर टू डोर मैन टू मैन लोगों से संपर्क करके वो मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने समर्थकों से लगातार संपर्क, चुनावी कार्यालयों में देर रात तक
चर्चा, अगले दिन का प्लान, ऐसा ही सब कुछ नज़ारा इस वक्त सढ़ौरा में देखने को मिल रहा है। मतदाताओं की से जो है लगातार संपर्क करके उनका वोट हासिल करने की होड़ इस वक्त प्रत्याशियों में लगी हुई है। किसी प्रकार से भी कोई भी कोर कसर वो बाकी नहीं रखना चाहते हैं। हाथ जोड़कर प्रत्याशी घूम रहे हैं, ताई सलाम, चाची सलाम, माता सलाम, बहन सलाम, बड़ों से आशीर्वाद, छोटों से प्यार, ऐसा सब कुछ वो अपना रहे हैं जिससे किसी न किसी तरीके से उनकी वोट उन्हें हासिल हो जाए। और सभी प्रकार के जोड़ तोड़ भी इस वक्त प्रत्याशी लगा रहे हैं, किसके कहने से किसकी वोट मिल सकती है, कहां पर कौन सी वोट बैठी हुई है, किस प्रकार से उसे संपर्क किया जाए, ये सब हथकंडे जो है प्रत्याशी द्वारा किए जा रहे हैं। और ये जरूरी भी है, एक बार की मेहनत फिर 5 साल तक वो उस पद पर काबिज होंगे, जनता की सेवा करेंगे, मतदाताओं की विश्वास और आशाओं पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। फिलहाल तो मतदाताओं से लगातार प्रत्याशी संपर्क बनाए रख रहे हैं, दिन नहीं देख रहे, रात नहीं देख रहे, धूप नहीं देख रहे, सवेरा नहीं देख रहे, लगातार प्रत्याशी लोगों से संपर्क करें, बार बार संपर्क करें, अपने घरेलू कामकाज दुकानदारी से विश्राम लेकर वो लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं, गलियों में उतरे हैं। आने वाला समय बताएगा परिणाम क्या निकलेगा।